हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को झज्जर में थे, जहां उन्होंने एक निजी कंपनी की रेफ्रिजरेटर इकाई का शिलान्यास किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में औद्योगिक बहार आ गई है। अब तक सरकार 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दे चुकी है। झज्जर के बादली में निजी कंपनी की रेफ्रिजरेटर इकाई का शिलान्यास करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि सूबे में औद्योगिक बहार आई हुई है, जिसने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मुहैया कराए हैं। सीएम ने कहा कि अब तक 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। पैनासोनिक यूनिट का एक नया विस्तार यूनिट हुआ है और जो रेफ्रिजरेशन की दृष्टि से एप्लायंसेस जो बनाएगा, इस अवसर पर आज उसके उद्घाटन के अवसर पर आपको जो जानकारी मिली है कि लगभग 1000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इससे ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस क्षेत्र में मिलेगी, एक बहुत सराहनीय काम है। इस मौके पर सूबे के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने ACZ के तहत लिए गए 6000 एकड़ जमीन और लोगों को दिखाए गए विकास के सपनों के बहाने पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने बड़े उद्योग घरानों को हरियाणा में नई शुरुआत और निवेश का आमंत्रण दिया है, और इसलिए सबसे बड़ी जरूरत हमारी यही है कि सपने कोई भी दिखा कर गया हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो सपने साकार हो जाए तो अभी भी हम बहुत अभिभूत होंगे, और उन सपनों की अपेक्षा, उन सपनों की आकांक्षा सबको है कि तेजी से ये इंडस्ट्रियल हब विकसित हो। हरियाणा सरकार ने इस साल प्रदेश के 5 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक इकाइयों को CSR के तहत सामाजिक क्षेत्र में भी प्रभावशाली काम करने की सलाह दी है। झज्जर से संजीत खन्ना, जी मीडिया।